गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे डेवलपमेंट ऑफ स्पोरेंजिया। जैसा कि हमने कैरेक्टर्स पढ़े थे टेरिडोफाइट के, उसमें भी मैंने आपको बताया था कि स्पोरेंजिया का डेवलपमेंट टेरिडोफाइट्स में दो प्रकार से हो सकता है। वही जो दो प्रकार हैं, आज हम उनको थोड़ा डिटेल में यहाँ पे डिस्कस करेंगे और उनका पूरा डेवलपमेंट का प्रोसेस जो है वह समझेंगे। तो डेवलपमेंट जो है स्पोरेंजिया का, वह दो प्रकार से हो सकता है। पहला प्रकार है यू स्पोरेंजिएट टाइप ऑफ डेवलपमेंट और दूसरा प्रकार है लेप्टोस्पोरेंजिएट टाइप ऑफ डेवलपमेंट ऑफ स्पोरेंजिया। यू स्पोरेंजिएट टाइप ऑफ डेवलपमेंट हम देखते हैं। यू स्पोरेंजिएट टाइप ऑफ डेवलपमेंट में पहला स्टेप है कि स्पोरेंजिया जो है वह इनिशिएट होता है या वह डेवलप होता है एक समूह सेल्स के समूह से, ग्रुप ऑफ सुपरफिशियल सेल्स। कुछ सेल्स जो हैं, एक पूरा ग्रुप जो है, उससे पूरा का पूरा स्पोरेंजिया का डेवलपमेंट यहाँ पर शुरू होता है। इस प्रकार के डेवलपमेंट को हम यू स्पोरेंजिएट टाइप ऑफ डेवलपमेंट कहते हैं। यू स्पोरेंजिएट टाइप ऑफ डेवलपमेंट मैंने आपको कहा कि ग्रुप ऑफ सेल्स से होता है, तो हम अब देखते हैं कि ग्रुप ऑफ सेल्स में क्या क्या चेंजेस होते हैं। पहला है सेल डिवाइड पेरिक्लाइनली एंड डिफरेंशिएट्स इनटू आउटर जैकेट इनिशियल एंड इनर लेयर ऑफ प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल। ये आपको बहुत अच्छे से अभी और मैं चित्र में दिखाऊंगी तो समझ में आएगा, लेकिन हम यहाँ पर एक बार स्टेप्स डिस्कस कर लेते हैं। तो हमने कहा कि जो ग्रुप ऑफ सेल्स हैं उनके अंदर पेरिक्लाइनल डिवीजन होता है। पेरिक्लाइनल से तात्पर्य होता है वॉल के पैरेलल। जो सेल है उसके वॉल के पैरेलल अगर डिवीजन होता है तो वह दो सेल बनाता है। बाहर वाला जो सेल है, बाहरी जो सेल है, उसको हम जैकेट इनिशियल कहते हैं और जो अंदर की लेयर का सेल है उसको हम प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल कहते हैं। अब जैकेट इनिशियल है, नाम से ही समझ में आ रहा है, जैकेट मतलब प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने वाली कवरिंग, और कवरिंग जो है हमेशा आउटर होगी। तो जैकेट इनिशियल जो है वह आउटर सेल है और वह पूरी की पूरी कवरिंग या जैकेट बनाएगी जो कि स्पोरेंजिया को प्रोटेक्ट करता है। और यह जो जैकेट है वह सिंगल लेयर्ड ना होके मल्टी लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है, मल्टी लेयर्ड वॉल ये बनाएगा स्पोरेंजिया के प्रोटेक्शन में। फिर आते हैं हम प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल। जैकेट इनिशियल जो था उससे तो पूरा का पूरा वॉल का जो स्ट्रक्चर है स्पोरेंजिया का वह बन गया, लेकिन प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल जो है उसमें भी अब बार बार डिवीजन होंगे, बहुत सारे डिवीजन होंगे और वह स्पोर बना देगा। तो इस प्रकार का जो डेवलपमेंट है वह डेवलपमेंट जो है उदाहरण के लिए कहाँ कहाँ पाया जाता है, जैसा कि साइलोटम में पाया जाता है, लाइकोपोडियम में पाया जाता है, सिलैजिनेला में पाया जाता है और इक्विसिटम में पाया जाता है। ये सभी जनरा, लाइकोपोडियम, सिलैजिनेला और इक्विसिटम हमारे सिलेबस में हैं, जिनको हम डिटेल में और स्टडी करेंगे। तो यहाँ ध्यान में रखने वाली बात यह है कि यू स्पोरेंजिएट से मतलब है जो कि ग्रुप ऑफ सेल से पूरे के पूरे स्पोरेंजिया का डेवलपमेंट हो, उसको हम कहते हैं यू स्पोरेंजिएट टाइप ऑफ डेवलपमेंट। जैसा कि आप इस चित्र में देख सकते हैं, चित्र अगर हम देखते हैं तो आप देखिए कि यहाँ पर ये जो सेल्स हैं, ये दो तीन सेल्स जो हैं उसके अंदर आपको न्यूक्लियस दिखाई दे रहा है, साइटोप्लाज्म डेंस हो जाता है और ये सेल्स जो हैं ये सुपरफिशियल इनिशियल्स कहलाते हैं। यह सुपरफिशियल इनिशियल, जैसा कि मैंने आपको बोला पेरिक्लाइनल डिवीजन, मतलब कि अगर हम देखें कि वॉल सेल ये हैं हमारे, वॉल सेल मान लीजिए ये हैं आपके, वॉल सेल हम इन्हें मान रहे हैं। तो वॉल सेल में अगर वॉल ये है वॉल, तो इसके पैरेलल मतलब ये, तो कहने का तात्पर्य कि अगर ये एक सेल है, ये एक सेल है, इस तरीके के सेल हैं, तो इनके अंदर हर एक में बीच में से वॉल के पैरेलल इस तरीके से अगर डिवीजन होता है तो इसको हम कहते हैं पेरिक्लाइनल डिवीजन। और पेरिक्लाइनल डिवीजन जो होता है उसके अंदर आप देखेंगे
कि वॉल से पैरेलल डिवीजन। तो इसमें अगर इस सेकंड डायग्राम में आप देखते हैं तो आप देखिए कि एक सेल से हर एक सेल में विभाजन हो गया और एक से दो सेल यहाँ पे फॉर्म हो गए हैं। और ये जो दो सेल हैं यहाँ पे, ये जो दो सेल हैं यहाँ पे, आप देख रहे हैं कि बाहर वाला जो सेल है वह प्राइमरी वॉल सेल या जैकेट इनिशियल भी हम उसे कह सकते हैं, और अंदर वाले जो सेल्स हैं वह स्पोरोजिनस सेल कहलाते हैं। तो वॉल सेल जो है वह भी डिवीजन करेगा और मल्टी लेयर्ड, जैसा कि हमने पढ़ा था, मल्टी लेयर्ड मतलब आप देख रहे हैं एक से अधिक लेयर की वॉल यहाँ पे बनी हुई है, यह मल्टी लेयर्ड वॉल स्ट्रक्चर यहाँ पे बना देगा। और अंदर की तरफ जो स्पोरोजिनस सेल हैं यह भी बहुत सारे सेल्स बनाएगा, जिसको कि हम पहले स्पोर मदर सेल कहेंगे। और जब उनमें फर्दर हर एक स्पोर मदर सेल जो है वह क्या दे देगा, वह स्पोर टेट्राड दे देगा, मतलब हर एक स्पोर जो है यहाँ पे टेट्राहेड्रल शेप में चार चार स्पोर्स अरेंज्ड हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, आपको यहाँ फिगर में भी दिखाई दे रहा होगा कि एक जो स्पोर होता है आपका, अगर मान लीजिए ये स्पोर है तो इसमें इस प्रकार से तीन सेल आपको दिखाई दे रहे हैं, ये आप देखिए एक दो तीन, तीन सेल आपको दिखाई दे रहे हैं और चौथा सेल इसके पीछे होता है, मतलब टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट में स्पोर्स अरेंज्ड होते हैं। और चारों तरफ आप देख रहे हैं स्पोरेंजियम वॉल दिखाई दे रही है, मतलब स्पोरेंजियम वॉल, एक अंदर लेयर दिखाई देती है टैपिटम, टैपिटम जो है वह नरिशिंग लेयर होती है, मतलब कि पोषण प्रदान करती है किसको, स्पोर्स को। तो चार स्टेप्स यहाँ पे, चार या पांच स्टेप में आपने पूरा डेवलपमेंट देखा, जिसमें पहला है समूह है सेल्स का, ग्रुप ऑफ सेल्स हैं जो कि इनिशियल, जिनको कहते हैं ग्रुप ऑफ सेल्स को, सेल सुपरफिशियल इनिशियल्स हैं ये, यह इनिशियल्स जो हैं वह पेरिक्लाइनल डिवीजन करते हैं, पेरिक्लाइनल डिवीजन से दो सेल बनते हैं, जैकेट इनिशियल या प्राइमरी वॉल सेल और अंदर वाला स्पोरोजिनस सेल। प्राइमरी वॉल सेल जो है वह बॉल बनाने के काम आता है, स्पोरोजिनस सेल जो है वह स्पोर मदर सेल देता है, और स्पोर मदर सेल से यहाँ पे हमें क्या मिल जाता है, स्पोर्स मिल जाते हैं। और टैपिटम जो है एक अंदर की लेयर है और यह लेयर जो है वह नरिशमेंट प्रोवाइड करती है। अब स्पोर वॉल, स्पोर जो बनते हैं यहाँ पे, हैप्लॉइड स्पोर्स बनेंगे, स्पोर मदर सेल डिप्लॉइड होगा, हर एक स्पोर मदर सेल जो है उसमें मियोसिस हो जाएगा और वह हैप्लॉइड स्पोर जनरेट कर देगा। अब हम देखते हैं यूस्पोरेंजियट डेवलपमेंट के बाद नेक्स्ट डेवलपमेंट आपका आता है लेप्टोस्पोरेंजियट टाइप ऑफ डेवलपमेंट। यूस्पोरेंजियट में तो ग्रुप ऑफ इनिशियल से स्पोरेंजियम बनता है, जबकि यहाँ आप देखेंगे कि स्पोरेंजियम डेवलप्स फ्रॉम सिंगल इनिशियल सेल। देखिए एक एक सिंगल इनिशियल सेल से स्पोरेंजियम डेवलप हो जाएगा, पूरा का पूरा स्पोरेंजियम। इनिशियल सेल डिवाइड ट्रांसवर्सली इनटू आउटर एंड इनर सेल। आप देखेंगे चित्र में कि इनिशियल सेल जो एक इनिशियल सेल है वह आउटर सेल और इनर सेल दो भागों में विभाजित हो जाएगा ट्रांसवर्स डिवीजन करके। इस केस में पूरा का पूरा जो स्पोरेंजिया है वह आउटर सेल से बनता है, क्योंकि इनर सेल या तो इनएक्टिव हो जाता है या फिर वह स्टॉक बनाता है स्पोरेंजिया का। एग्जाम्पल, उदाहरण अगर हम देखते हैं तो साल्विनिया में, मार्सिलिया में, टेरिस में, इन सभी के अंदर आपको लेप्टोस्पोरेंजिएट टाइप ऑफ स्पोरेंजिया डेवलपमेंट देखने को मिलता है। इसमें से आपके कोर्स में जो डिटेल में आपको स्टडी करना है वह है मार्सिलिया। इसका मतलब, कहने का मतलब यह है आपको चार जनरा पढ़ने हैं, लाइकोपोडियम, सिलैजिनेला, इक्विसिटम एंड मार्सिलिया, जिसमें से तीन जो जनरा हैं आपके लाइकोपोडियम, सिलैजिनेला एंड इक्विसिटम, वह तीनों के तीनों यूस्पोरेंजिएट टाइप ऑफ डेवलपमेंट शो करते हैं। यूस्पोरेंजिएट का मतलब है जिसमें समूह के द्वारा स्पोरेंजिया का डेवलपमेंट होता है, सेल्स के समूह के द्वारा, ग्रुप ऑफ सेल्स का समूह जो है, ग्रुप ऑफ सेल्स जो हैं उनसे डेवलपमेंट होता है। जबकि मार्सिलिया में आप देखेंगे लेप्टोस्पोरेंजिएट टाइप ऑफ स्पोरेंजिया डेवलपमेंट है, कहने का तात्पर्य कि एक ही सेल से पूरा का पूरा स्पोरेंजिया डेवलप होता है। हम चित्र में अगर देखना चाहेंगे तो आप देख सकते हैं चित्र में कि पहला जो है यहाँ पे
फर्स्ट फिगर जो है आप इसमें देखिए, सिंगल इनिशियल, ये सिंगल इनिशियल लिखा हुआ है। सिंगल इनिशियल जो है इसमें एक ट्रांसवर्स डिवीजन हुआ, ट्रांसवर्स डिवीजन होने से बाहरी सेल बना आउटर सेल, और ये आपका अंदर वाला सेल जो है वह बना इनर सेल। अब आउटर इनर सेल जो है वह कोई और कार्य नहीं करता, सिर्फ स्टॉक सेल बनाता है। तो आप ये देखिए इसको यंग स्टॉक सेल लिखा है, जबकि आउटर सेल जो है वह पूरा का पूरा स्पोरेंजिया बना देता है। तो आउटर सेल जो है एक तरीके से एपिकल सेल बोल सकते हैं हम इसको, क्योंकि ये एपेक्स पे प्रेजेंट है, और यह डिफरेंट टाइप ऑफ डिवीजन से सेल्स को काटता है, कई सारे सेल बनाता है, जिससे कि अल्टीमेटली पूरा का पूरा स्पोरेंजिया डेवलप होता है। एक देखिए इसमें इंटरनल सेल रेड कलर का दिखा रखा है, और एक कैप्सूल वॉल इनिशियल, मतलब कैप्सूल वॉल इनिशियल का मतलब है स्पोरेंजियल वॉल जो फॉर्म होती है वह भी आउटर सेल से ही बनती है, और जो स्पोरोजिनस सेल्स हैं वह भी आउटर सेल से ही बनते हैं। तो इंटरनल सेल जो है वह आपका अंदर आपको दिखाई दे रहा है, एक बीच में ट्राइंगल सा सेल दिख रहा है वह इंटरनल सेल है, और उसके बाहर जो रेड कलर के तीन सेल हैं वह टैपिटल सेल्स हैं, और सबसे बाहर वाइट में दिख रहे हैं सेल्स वो हैं कैप्सूल सेल्स। तो कैप्सूल सेल सबसे बाहर आपको कैप्सूल सेल दिखाई देंगे, अंदर वाली लेयर जो है वह ये वाली ये टैपिटम है, और इसके अंदर जो है दैट इज़ स्पोरोजिनस सेल्स। तो स्पोरोजिनस सेल्स जो हैं वह स्पोर्स बनाएंगी, टैपिटम सेल जैसे कि टैपिटम सेल जो इनिशियल्स जो हैं वह लेयर ऑफ टैपिटम बनाएगा, जो कि पोषण के काम आता है, जो कि स्पोरेंजिया में जो स्पोर्स बनते हैं उनका पोषण करता है, और सबसे बाहरी जो लेयर है कैप्सूल वॉल वह स्पोरेंजिया की कवरिंग बनाता है। अब आप इस मैच्योर स्पोरेंजिया का डायग्राम देख रहे हैं, जिसमें स्पोर्स स्पोर टेट्राड में अरेंजमेंट है इसका, ताकि कहने का मतलब स्पोर्स जो है टेट्राड से मतलब है चार, तो चार स्पोर्स टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट में यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, और दो लेबलिंग आप और देख रहे हैं यहाँ पे, एन्यूलस एंड लिप सेल्स। लिप सेल से मतलब होता है, देखिए अगर आप वॉल इनकी ढंग से देखेंगे ध्यान देंगे तो एन्यूलस सेल्स की वॉल बहुत डबल लेयर वॉल दिखाई दे रही है, मतलब थिक वॉल स्ट्रक्चर है, जबकि लिप सेल्स जो हैं वह थिन वॉल स्ट्रक्चर हैं। तो लेप्टोस्पोरेंजी टाइप ऑफ स्पोरेंजिया की खासियत यह है कि एन्यूलस सेल्स इसमें फॉर्म होते हैं, जो कि डेड सेल्स होते हैं और वाटर फिल्ड होते हैं, पानी से भरे हुए होते हैं, जबकि लिप सेल्स जो होते हैं वह सिंगल लेयर्ड थिन वॉल्ड सेल्स हैं। और होता क्या है कि जो एन्यूलस सेल्स हैं वाटर फिल्ड हैं, थिक वॉल्ड हैं, डेड हैं, लिप सेल्स जो हैं वह थिन वॉल्ड सेल्स हैं, और इनमें जो पानी होता है वह डिहाइड्रेट हो जाता है, उड़ जाता है। उसके उड़ने से एन्यूलस सेल्स जो हैं, लिप सेल्स तो सिकुड़ जाते हैं और एन्यूलस सेल्स जो हैं काफ़ी स्ट्रेटन हो जाते हैं, और जब कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, जब सिकुड़ते हैं तो प्रेशर डालते हैं लिप सेल्स पे, और लिप सेल्स रप्चर हो जाते हैं, फट जाते हैं, जिसके की कारण स्पोर्स बाहर निकल सकते हैं। तो कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि एन्यूलस सेल्स जो हैं या एन्यूलस जो है वह डिस्पर्सल, स्पोर डिस्पर्सल में महत्वपूर्ण योगदान प्रदान करता है या महत्वपूर्ण भूमिका प्रदान करता है, क्योंकि स्पोर का डिस्पर्स होना, स्पोर्स का फैलाव होना जरूरी है। स्पोर जब फैलेंगे तभी नया पौधा बन पाएगा, तो इसलिए एन्यूलस जो है डिस्पर्सल का काम भी करता है। आशा करती हूँ आपको ये दोनों प्रकार के डेवलपमेंट समझ में आए होंगे। अगर हम कंपेयर करते हैं तो मेन पॉइंट यहाँ पे, अगर कई बार प्रश्न पूछा जाता है डिस्क्राइब और डिफरेंशिएट बिटवीन लेप्टोस्पोरेंजिएट एंड यूस्पोरेंजिएट टाइप ऑफ स्पोरेंजिया, तो उसमें आपको बताना है कि जो यूस्पोरेंजिएट टाइप ऑफ स्पोरेंजिया हैं उनके अंदर ग्रुप ऑफ इनिशियल सेल से डेवलपमेंट होता है पूरे स्पोरेंजिया का, जबकि अगर हम लेप्टोस्पोरेंजिएट की बात करते हैं तो सिंगल सेल से ही यहाँ पे डेवलपमेंट स्पोरेंजिया का होता है। अगर डिटेल में आपसे पूछा जाए तो आप पूरे डेवलपमेंट के स्टेप्स लिख सकते हैं, नहीं तो आप ये लिख सकते हैं और उदाहरण
आप समझा सकते हैं, उदाहरण दे सकते हैं कि उदाहरण के लिए यू स्पोरेंजिएट टाइप में लाइकोपोडियम, सिलैजिनेला, इक्विसिटम ये सभी जेनरा आ जाएंगे, जबकि लेप्टोस्पोरेंजिएट के अंदर आपका टेरेस, मार्सीलिया, साल्विनिया ये आता है। थैंक यू।